जीवात्मा अल्पज्ञ है, मनुष्य अल्पज्ञ हैं, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पूरा पूरा नहीं समझ सकता। केवल ईश्वर ही एक ऐसी वस्तु है जो सब जीवों को पूरा पूरा ठीक ठीक समझती है। इस कारण से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विषय में भ्रांति हो सकती है, संशय हो सकता है, अज्ञान हो सकता है, और इस कारण से कोई भी परिचित या अपरिचित व्यक्ति किसी भी समय इस अल्पज्ञता के कारण अथवा और अल्प सामर्थ्य के कारण किसी का भी अपमान, विरोध आदि कर सकता है। इसका ये बात यदि हमारे मन मस्तिष्क में उपस्थित रहे कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी समय अपमान, विरोध आदि कर सकता है, करेगा, तो फिर वैसी परिस्थिति आने पर पहले से सज्जा होने के कारण व्यक्ति द्वेष भाव से युक्त नहीं होगा। वह मन में इस प्रकार से विचार करेगा कि ऐसी प्रतिकूलताएं उत्पन्न होगी, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी, अपमान होगा, विरोध होगा और अनेक अन्य प्रकार की बाधाएं आएगी, लेकिन ऐसी परिस्थितियों के उपस्थित होने पर भी मैं दुखी नहीं होऊंगा और दुखी होकर द्वेष से युक्त नहीं होऊंगा। द्वेष भाव एक त्यागने योग्य वस्तु है। त्यागने योग्य वस्तु को अपने पास रखना अथवा उसका सेवन करना ये मूर्खता का लक्षण है। जैसे शराब है, ये त्यागने योग्य वस्तु है, मांस है, ये त्यागने योग्य वस्तु है, इनका सेवन करना मूर्खता है, अपनी हानि करना है, शारीरिक और आत्मिक हानि करना है। इसी प्रकार से द्वेष भाव भी अपने समीप रखना, उससे मित्रता करना ये मूर्खता है, क्योंकि इससे शारीरिक और आत्मिक हानि होती है। ऐसा विचार कर व्यक्तियों को द्वेष भाव को दूर करना चाहिए।